बड़ी बेदर्दी से उनके हाथ पैर तोड़कर रीढ़ की हड्डी तोड़कर उनकी हत्या कर दी गई। हाथरस में हमारी वाल्मीकि समाज की एक बहन जो खेत में चारा लेने के लिए गई थी, कुछ ठाकुर समाज के लड़कों ने उसे बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया और उस बहन की जीभ काट दी और गर्दन से 3 जगह हड्डी तोड़ी गई व रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिससे कि इस बहन की बड़ी ही बेदर्दी से मृत्यु हो गई। और वहाँ का शासन प्रशासन बीजेपी का गुलाम, उस बहन की कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके घर वालों को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए। सम्मानित साथियों, इस के विरोध में पूरे देश भर में जन आंदोलन हो रहे हैं। भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, वे सड़कों पर आकर के महंत के लिए इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। लेकिन यह सरकार, ये बेऔलाद सरकार, सत्ता में बैठे बेऔलाद सरकार में बैठे लोग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी बहन बेटियों के साथ इंसाफ हो। इसी के बीच और 2 दिन पहले बलरामपुर में हमारे समाज की एक लड़की बी कॉम में एडमिशन लेने के लिए गई थी और वहाँ पर भी उसे उठाकर उसका गैंग रेप कर दिया और उसके दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके विरोध में आज हमने इन बहनों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने गांव में कैंडल मार्च निकाला है। लेकिन साथियों, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनकी आत्मा को शांति जाएगी। हमें घर से बाहर निकलना होगा और वो भी संवैधानिक तरीके से, ज्ञापन के माध्यम से, पुतला फूंक करके, कोई बिना शोर शराबे के, तब जाकर हमारी सरकार पर मांग पहुंचेगी। तो सम्मानित साथियों।